कितनी सी लगी देखा ऐसी यार हवा, देखो तूफान कितनी तेज चल रहा है। अरे भाई साहब ओहो, जोर से बोलो सारे, बोलो मिलकर बोलो। हे गाइस वेलकम बैक टू द सैंडल ब्लॉग। तो एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज की जो ट्रिप जाने वाली है ना, वो जाने वाली वैष्णो माता। अभी आए हैं हम एक्चुअली स्टेशन में, ठीक है। हमने स्टेशन से ही निकलना, आगे हम रेलवे स्टेशन आए जम्मू के रेलवे स्टेशन में। जम्मू के रेलवे स्टेशन से जाना सीधा वैष्णो माता स्टेशन होगा ना, वहाँ पर जाकर उतरना है। तो अभी तो यहाँ से आए तो यहाँ से इंट्रो स्टार्ट करना है। मैंने सोचा था कि मैं जैसे मैं स्टेशन पहुँचूंगा ना, वहाँ से इंट्रो स्टार्ट करना है। तो अब सीधा हम आपको वहाँ जाके मिलते हैं। मेरे साथ से जा रहे हैं, हम तीन बंदे जा रहे हैं। एक्चुअली सोचा था जाने के लिए, हमने बड़ी देर का प्लान बनाया था और आज था ठंडा मौसम और हमारा मन कर गया आज जाने का। तो चलो यहाँ से ब्लॉग शुरू करते हैं। अब आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बस आप ब्लॉग देखते रहना। ये देखो स्टेशन में पहुंच गए, अभी यहाँ से अंदर एंट्रेंस करेंगे, टिकट लेनी है, फिर सिद्धांत देख के आपको मिलते हैं, ठीक है। चलो 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 चलो, ये टिकट काउंटर से ना हमें टिकट ले ली है। ये हमारी तीनों की टिकट आ गई, यहाँ से ली है। अब चलते हैं अंदर से, तो यहाँ से अंदर जाना है हमको। अब हमारी ट्रेन आनी है 5:30-6 बजे, अब देखते हैं कितने बजे आती है। ये देखो भाई स्टेशन पहुंच चुके हैं हम यहाँ से आएगी ट्रेन शायद से ना, हाँ इस साइड से ट्रेन आएगी। तो गाइस अभी ना हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। बस स्टेशन में हम अपने कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म है कौन सा, और देखेंगे कहाँ से ट्रेन आनी है। बस वही देखेंगे, आगे देखते रहो पूरा ब्लॉग। अभी तो स्टार्ट किया, आगे अगर देखो अभी वहाँ पहुँचेंगे ना फिर से ही मजा आएगा। अभी तो यहाँ पे वो है ना, मतलब मेरे को थोड़ा पिछले बोलना, क्या बोलते हैं उसको, वो बोलना क्या बोलते हैं यार, पिछले बोलते नहीं है, मतलब मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। सारे लोग मुझे देख रहे थे वहाँ से, तभी मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। मैं वही बोलते रहा, मेरे को वो बोल रहा है। बस देखो 2 मिनट में यहाँ कितना रश पड़ गया, सारे लोग भाग रहे ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर। गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, चलते हैं अंदर सीधा। अब यही है, चलो भाई ट्रेन के अंदर एंटर कर लिया हमने, है खाली खाली है। गाइस फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं, अब सीधा माता के पास जाके मिलते हैं। गाइस फाइनली जाके ट्रेन चल गई, फाइनली जाके बाय बाय, उसको लग गई, मैंने वो खोला लगी ना, जाने लगी। ये देखो फाइनली हमारी ट्रेन चल गई, बाय 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 सबको, बाय बाय अंकल 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 अंकल, बाय बाय, देखा नहीं अंकल, बाय बाय बाय, ट्रेन रुकी वाला बाय, मैं बाय बाय कर रहा हूँ, ट्रेन रुकी। गाइस ये देखो बावे का रास्ता, ट्रेन में यही होता है कि मतलब 2-2 मिनट बाद चाय वाला, वड़े वाला, बिरयानी वाला और गरम समोसे ऐसे आते आते हैं। ट्रेन में रोने लग रहती है, तभी हम यहाँ से ट्रेन में जा रहे हैं। ऐसे तो हम बस में बड़ी बड़ी गए, ऐसी बात नहीं है कोई। हेलो गाइस, गाइस देखो मैं ट्रेन में बैठा हूं, ट्रेन के बाहर जा रहे हैं। चल ठीक है, बाय बाय। इन लोगों को समझाओ, देखो उधर बोल रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बाय गाइस, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। ओ बाहर नहीं निकल, मुझे निकाल, मुझे गाइस। वो दोनों आए ही नहीं, वो कहाँ रह गए, वो दोनों बाहर नहीं ना रह गए। अच्छा आ गए, मेरे से बाहर रह गए आप। फाइनली हमारी आ गई वैष्णो देवी, यार कितनी सही लग रही है। मैं इसको कैमरे में यार बता नहीं सकता, पर ऐसे लाइव देखने में इतनी सही लग रही है ना। रात को पहुंचे हम पूरे, वो देख बिल्कुल देख, वो कितनी सही लग रही है, कितने सही लग रही है। अब हम चढ़ेंगे, चढ़ाई शुरू करेंगे, जल्दी चढ़ाई शुरू करेंगे हम। कितनी सही लग रही है, हमने वहाँ पर दर्शन करने जाना है, फिर उसके बाद आके देखेंगे। और ना कमेंट में सारे जय माता जी जरूर लिखना, सारे लिख दो जय माता दी, जितने भी लोग देख रहे हैं ना जय माता दी लिखे भी ना नहीं जाना, ठीक है। सारे लिख दो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं ये नहीं बोलता वीडियो को लाइक करो शेयर करो कुछ नहीं, बस जय माता दी लिख के जाना बस। फाइनली अभी हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से अब सीधा हमने मतलब चढ़ाई करना शुरू कर देनी है। तो चलो उसे चलते हैं, बाहर निकलते ट्रेन से, ट्रेन की जर्नी तो खत्म हो गई है, अब
अब वहाँ ट्राई करना शुरू करनी है, दोनों बाजू देखते रहो बाबा के। सेल्फी 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 सेल्फी। अरे भाई साहब बाहर तो बारिश पड़ रही है, वो रही हमारी माता रानी। कटरा पहुंच चुके हैं और कटरा में बारिश शुरू हो चुकी है, अब चलते हैं आगे। आगे हम यहाँ पहुंच चुके हैं अभी तो स्टेशन में, अब इस आगे ले चलते हैं। हम अभी प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो सीधे यहाँ से बाहर निकल के स्टेशन के बाहर निकलेंगे, वहाँ से रिक्शा या कुछ लेंगे, देखते हैं आगे कहाँ निकलता रास्ता, पर बारिश बड़ी तेज़ होती जा रही है। ये है कटरा का स्टेशन, लेकिन सुंदर लग रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि बारिश पड़ रही है, पर हमने ट्राई तो चढ़नी चढ़नी है, चलते आते आगे फिर देखते आएंगे। मैंने ग्लव्स भी डाल दिए अब, क्योंकि ठंड यहाँ बड़ी लग रही है भाई, बड़ी ज़्यादा। चलो चलते हैं आगे। हमने यहाँ से टिकट कराई है, ये बना है कुछ कार्ड, तो ये कार्ड लेके जाएंगे अब सीधा ऊपर। पहले दूसरा होता था पता, आजकल इन्होंने ये दे दिया ना साथ में बांधने वाला, पहले वाला दूसरा कार्ड होता था। चलो अब चलते हैं। तो गाइस अभी भी जा रहे हैं डोमिनोज में पिज्जा खाने के लिए, सामने ही डोमिनोज, हमने ना पहले का ऑर्डर कर लिया था, फोन से ऑर्डर कर दिया मैंने, तो सीधा वहाँ से हमने बैठ के खाना है और जल्दी निकले, अभी बड़ी लेट हो गया यार, अभी 9 बज गए हैं, हमने पिज्जा खा के ट्राई शुरू कर देनी है बस। पहुँच चुके फाइनली डोमिनोज, कहाँ गया ये रहा अंदर, यहाँ से ओ भाई गिले हो गए ये रहा अंदर डोमिनोज, कहाँ है अच्छा अंदर है यार। ये आ गया हमारा पिज्ज़ा भाई, बड़ा ज़्यादा शोर है यार, जल्दी जल्दी खाते हैं इसको यार। हाँ मज़ा आएगा, थोड़ा कैचअप डाल के जल्दी जल्दी खाते हैं यार। 3 लिए थे, 1, 2 और 3, एक ही खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। गाइस फाइनली हमारी पेट पूजा हो चुकी है, तो अब सीधा हम दर्शन करने शुरू कर देने हैं। यहाँ से सोच रहे हैं ऑटो में चल रहे हैं, यहाँ से लेके बांधगढ़ तक ऑटो में, फिर उसके आगे हम चलेंगे बादल। फाइनली अभी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद अब जाके ऑटो मिला है, वो भी 120 रुपये किराया। अब जा रहे हैं यहाँ से हम बांधगढ़ तक, फिर वहाँ से हम लड़ाई करना शुरू करेंगे। गाइस फाइनली हम यहाँ से अभी एंटर करेंगे, ये यहाँ का मतलब वैष्णो देवी के अंदर ये पूरा दरबार के अंदर जाने का रास्ता है, और वो ऊपर वैष्णो माता, ये स्टार्टिंग है यहाँ का, वो शायद वो भवन है ना, नहीं वो वो अर्धकुंवारी है, उसके पीछे भवन है, मतलब दूसरे पहाड़ पे है वो, ठीक है। यहाँ से हम अंदर जाना है भाई, यहाँ से चलते हैं मंदिर। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इन रोड पे तो यार सिर्फ और सिर्फ वही है, मतलब घोड़े चलते रहते हैं, जब तक नया रास्ता ही ना आएगा तब तक हमारे साथ घोड़े चलते रहेंगे भाई। अभी नारे लगाए, इतनी एनर्जी आ गई ना, अब आराम से जाएंगे भाग यार, कोई टेंशन नहीं है। बारी चलता जा जय माता करता जा। अभी हमने लिया है हमने स्टिंग, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे लाइट बुल वगैरह तो पीनी नहीं है, स्टिंग ठीक है, थोड़ी एनर्जी मिल एनर्जी मिल जाएगी, और यहाँ से इसको पीते पीते चलते हैं ऊपर। ये देखो ये वाला मंदिर कितना अच्छा है, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति बनाई है ना भगवान की, हनुमान जी की देखो कितनी अच्छी लग रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, वाह यार। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका, ये मंदिर है चरण पादुका का, पर हमने यहाँ पे जाना नहीं है, कहाँ गए वो, पर यहाँ अंदर जाना नहीं है हमने यार, यहाँ से बाहर से माथा टेकेंगे, आपको दिखा दिया, और यहाँ चलते हैं आगे। ऐसी यार हवा देखो, तूफान कितनी तेज चल रहा है, अरे भाई साहब ओहो गाइस देखो कितनी तेज तूफान चल रहा है भाई, मुझे लग रहा है ये स्नो पड़ने वाली है, बारिश पड़ने वाली बड़ी तेज, ओए होए होए देखो कितनी तेज चल रहा है, और उनको गर्मी लग रही है पता है, इतनी ठंड है आपको गर्मी लग रही है, अरे भाई साहब तूफान देखो यार, ओहो भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, तूफान देखो कितनी तेज चल रहा है, क्या है भाई ये, ओए होए होए यार कितनी तेज तूफान चल रहा है भाई, मज़ेदार भाई मज़ेदार। गाइस वो देखो पूरी कटरा सिटी है, अभी यहाँ से आए हैं, वो देखो वो रास्ता ना, ये रास्ता है, यहाँ से रास्ते जाए हम ऑटो में, और वो देखो कितनी प्यारी लग रही है यार, पूरी कटरा सिटी सही लग रही है ना, यही होता है। अभी हमने वो ऊपर जाना है भाई, वो रहा क्या बोलते हैं इसको अर्धकुंवारी, यहाँ चलते जा रहे हैं,
पर हम वहाँ थे, अब यहाँ पहुँच गए। पता भी नहीं चला भाई, चलते जाओगे तो पता चलते हैं, माता बुलाते हैं तो यार पता भी नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच। वो रही पीछे कितनी प्यारी लग रही है। गाइस अभी अभी ना हमने एक गलत चीज़ कर दी यार। हमने ना एक सीढ़ियों वाला रास्ता ले लिया जो 526 सीढ़ियाँ थी, आधे रास्ते में बस हो गई है। अब आराम से बैठे हुए हैं और टांगों में अब दर्द हो रही है। अभी हम भवन पहुंचने वाले हैं, वैसे थोड़ा सा रह गए भवन, नहीं भवन थोड़ी अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा ही रह गए बस। तो अभी अभी यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं फिर हम आगे चलते हैं, चढ़ना शुरू करते हैं भाई। बस हो गई यार, ये आप गलती नहीं करना यार, मैं आपको बता रहा हूँ, सीढ़ियों से मत चढ़ना। वैसे सीढ़ियों से थोड़ा रास्ता शॉर्ट हो जाता है, पर ये बस बड़ी हो जाती है। गाइस लुक एट दिस व्यू यार, व्हाट ए व्यू भाई साहब, क्या ही सारे घर हैं बताए, सारे के सारे कटरा शहर है ये, अपने कटरा शहर है भाई, कटना शहर, कटरा नहीं कटरा शहर, वो रेलवे स्टेशन है वो, वहाँ से हम आए थे, यहाँ से हम ट्रेन से आए थे स्टेशन से। देखा यहाँ कितना बड़ा कटरा शहर, वहाँ से हम सारा बदलाए और थोड़ा सा हमने ऑटो लिया था। इसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैंने एक में किया ना ये जाएगा कम से कम 25 मिनट का ब्लॉग, पर इतना लंबा नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, दिखाऊंगा पर सही दिखाऊंगा, 10 से 12 मिनट का इनफ है, और उसमें भी 10 से 12 मिनट में आपको इतना मज़ा आएगा ना, बस आप जय माता दी ज़रूर लिखना कमेंट में, ज़ोर से बोलो जय माता दी, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करो या फिर चैनल सब्सक्राइब करो, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करो भाई, कोई टेंशन नहीं है उसकी, बस जय माता दी कमेंट में लिख के जाना।